रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो शुरू हो रही है। योगेश जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ, 1 अप्रैल 1986 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये दिन कभी भारतीय इतिहास में या राजनीति में कभी चर्चित रहा है क्या? भारतीय इतिहास का तो मुझे जानकारी नहीं है सर, सॉरी, पर पूर्व उपराष्ट्रपति जी थे, उनका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है। उनका नाम क्या था? उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा सर। तो आपको क्या पता कि उनकी और आपकी सेम है? अभी सर राइट नाउ याद नहीं आ रहा। और अभी जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे जो उपराष्ट्रपति जी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, शायद आपको नाम याद आ रहा हो। अच्छा, हमीद अंसारी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। अच्छा, उनकी कोई दो अचीवमेंट्स बता दीजिए। अचीवमेंट्स तो सर वो राज्यसभा के जो चेयरमैनशिप पे सेलेक्ट हुए थे, बाकी उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं सर। अच्छा, और आपने शिक्षा है वो JNUV से किया है आपने, तो इसका लोगो क्या यस है और ध्येय वाक्य क्या है? सर, ये सर इसका ध्येय वाक्य, इसका लोगो में सर एक चिराग और ये बना हुआ चिराग और उसमें पत्ती बनी हुई है, और ध्येय वाक्य सर इसका विद्या शक्ति समस्ताना शक्ति। अच्छा, तो आपने VMOU से 2017 में डिप्लोमा भी किया है राजस्थान में समस्याएं, तो बताइए राजस्थान में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपने भी उनको फील किया है और उनकी चर्चा हमेशा होती है? राजस्थान में जहाँ तक मैंने देखा है सर कि जो मेरे व्यवहार में जो समस्याएं आई है, उसमें सबसे बड़ी मुझे लगता है एक तो बाल विवाह है, एक मृत्यु भोज की समस्या है, एक नशे की समस्या है। ये तीन समस्याएं मैं राजस्थान में बड़ी मानता हूँ। इसके अलावा दहेज और जो महिला उत्पीड़न की समस्याएं जो वही कई बार समाचार पत्रों में देखने को मिलती है, तो ये एक अच्छा, कंबाइंड है ठीक इसमें है। सर। आप ओके, ये बताइए कि बाल विवाह के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों होते हैं बाल विवाह? बाल विवाह के कारण सर मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के कोई संतान हुई है तो वो अन्य जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अन्य समाजों और अन्य परिवारों के साथ मेलजोल स्थापित करने के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक आपसी रिश्तेदारी में ही या फिर समाज में एक जीवन साथी ढूंढने का प्रयास करता है, तो ये मैं इसका प्रमुख कारण मानता हूँ। और इसी प्रकार से जो महिलाओं की स्थिति राजस्थान में काफी अच्छी नहीं रही है, प्राचीन काल से देखा गया है, तो एक उनका विवाह निश्चित किया जाकर जो दंपति है एक तरह की राहत महसूस करते हैं। अच्छा, नहीं, ऐसा इसके तो सामाजिक जीवन साथी सामाजिक कारण तो है, बड़े होकर भी तो कर सकते हैं। ये इसके सामाजिक कारण है सर जो मानसिकता के स्तर पर है। उसके अलावा जो शैक्षिक स्तर की जो कमी है, जो उनको पता नहीं है कि जो बाल विवाह के कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, ये उनकी जानकारी का अभाव होने के कारण भी वो बाल विवाह करते हैं। इस संबंध में कानून भी बने हुए हैं अच्छा, परंतु उनका एनफोर्समेंट नहीं हो ओके, पाता। आप ये बताइए कि वो लेवल जो कंप्यूटर का एक डिग्री कहें या क्या है, डिग्री है या डिप्लोमा है? ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है सर। अच्छा, वो लेवल से क्या मतलब है? वो लेवल ही क्यों रखा है? क्या दूसरे लेवल भी होते हैं, ABCDEFG Z तक? यस, ओ के बाद में सर ए बी और सी तीन लेवल होते हैं। जो ओ लेवल है जो जो बिगिनर्स लेवल कहा जाता है, जिसे ऑर्डिनरी लेवल कहते हैं, फिर ए लेवल होता है वो एडवांस लेवल होता है, और जो ओके, तो पीजीडीसीए ओ के साथ लेवल के बारे में संबंध बताइए कि ओ लेवल में आप क्या क्या सीखते हैं? है। ओ लेवल में जो मेरे चार पेपर थे सर, उसमें एक सी लैंग्वेज था, एक फॉक्सप्रो था, एक कंप्यूटर डिजाइन और आर्किटेक्चर का पेपर था, और एक उसमें था इंटरनेट और वेब डिजाइन का। अच्छा, आप पब्लिक एड से भी पढ़े हैं। आप ये बताइए कि मिन्नोबुर्ग जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और क्यों हुआ था?
सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1962, एक श्योर नहीं हूँ सर, मैं इसका प्रारंभ हुआ था, उसके बाद हर 10 साल से इसका सम्मेलन होता रहा है, सॉरी 20 साल से। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो लोक प्रशासन में आ रही विभिन्न चुनौतियों और नवीन लोक प्रशासन के संबंध में विभिन्न विचारों को आपस में सम्मिलित करके एक बेहतर अच्छा, स्टडी ओके, डिसिप्लिन आप बनाने के लिए। ओके, आप ये बताइए कि आपके नाम का क्या अर्थ है? जी मेरे सॉरी मेरा गला खराब लगता ओके, पानी पी सकते हैं आप। पानी तो अब दूर है काफी यहाँ से। चलिए मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरे नाम का अर्थ जो है योगेश, जिसका अर्थ होता है जो योगी व्यक्ति होते हैं उनके ईश यानी कि भगवान शिव। इसी तरह से एक और माना जाता है कि जो योग के ईश है, जो योग की जो प्रक्रिया है उसके जो भगवान है, उसे श्री कृष्ण को माना जाता है। गीता में कहा भी गया है कि योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ओके, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मेरा जो नाम है वो योगियों में ईश है, यानी उनका भी भगवान है, तो एक योगी में कौन कौन जी से गुण हो सकते हैं, एक प्रशासनिक योगी में कौन से गुण होने चाहिए? मुझे लगता है सर, एक प्रशासनिक व्यक्ति को कुछ ना कुछ भारतीय संस्कारों और योग के अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनमें वो स्थित प्रज्ञता की भावना कहीं ना कहीं होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार से निर्णय ले सके जिससे उसके स्वयं के हित उससे ना जुड़े, वो किसी व्यक्ति में किसी समस्या में अपना धैर्य नहीं खोए, वो शांत रहे और वो हमेशा लोक संग्रह की भावना रखे। तो ये दो तीन मेन जो गुण मैं समझता हूँ प्रशासक में होने चाहिए। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने एक कर्म योगी करके अभियान चलाया है, वो किस क्षेत्र में है? ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, ये सिविल सर्विस को बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से संबंधित। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप ये बता दीजिए कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या क्या स्तंभ रखे हैं या क्या मुख्य उद्देश्य रखे हैं? टू द पॉइंट, दो तीन। सर एग्जैक्टली टू द पॉइंट तो मुझे सॉरी जानकारी नहीं है, पर इसका बेसिकली यही है कि एक जो डिसिप्लिन सिविल सर्विसेज हो और जो सेंसिटिव भी हो, ताकि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से मिल पाए। ओके, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। हाँ हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? या हाँ जी कहिए। मैं जिले के बारे में पूछता हूँ पहले। ओके सर, ओके। योगेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी कहिए। अपने जिले की कुछ समस्याएं आप देख रहे होंगे, क्या समस्याएं हैं? जोधपुर में सर मैं देखता हूँ कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स मुझे लगती है वो एक तो सीवरेज की है, यहाँ पे जो जल भर जाता है सड़कों पर और विभिन्न स्थानों पर भी, जो बेसिकली रोड एक्सीडेंट्स का कारण तो बनता ही है और पर्यटकों के लिए भी बुरा लगता है। दूसरा मुझे लगता है यहाँ पे जो PM2.5 पार्टिकल्स और अभी रिसेंट फाइंडिंग्स में जैसे पाया गया PM micron 1 के पार्टिकल भी यहाँ मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ी सी हानिकारक मानी जा रही है अभी। तीसरी यहाँ पे जो सामाजिक स्तर पर देखा जाता है तो कुछ समस्याएं हैं व्यक्तियों में, जो मृत्यु भोज और बाल विवाह ये समस्याएं तो हर लगभग शहर में होती है, वो यहाँ पे भी व्याप्त है सर। अभी रिसेंटली नशे की समस्या काफी विकराल रूप से सामने आई है। नहीं, मैंने आपसे अपने जिले की समस्याएं पूछी, मैं शहर की बातें तो जल भराव की समस्या तो मुझे समझ में आ गई। अपने ओवरऑल बताइए मुझे, क्या चैलेंजेस है जिले में, क्या दिक्कत है जिसको दूर किया जाना चाहिए, पूरे जिले की समस्या। जिले की समस्याओं के समाधान के लिए सर हमें बेसिकली एक DPR बनानी चाहिए जिसमें जो मेन मेन मुद्दे हैं, जिसमें सीवरेज है और मरुस्थलीकरण का बढ़ना है, जो पेयजल की समस्याएं हैं और इसी के साथ बढ़ता ट्रैफिक का घनत्व है, एलिवेटेड रोड जैसे उपाय उसमें शामिल किए जा सकते हैं, और इसके बारे में विचार विमर्श करके हमें एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना चाहिए। अच्छा, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए आप बताइए कुछ उपाय।
राजस्थान का जो वन विभाग है सर, उसके द्वारा मरुस्थलीकरण रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा जो बाड़ बंदी की जाती है, लगातार मल्चिंग और पेड़ लगाए जाते हैं जिससे मरुस्थल की मार्च को रोका जा सके। उसके अलावा जो यहाँ पर नदियों से जो पेड़ नदियों के पास, ये जो नदी और नहर के पास में जो जमीन है उसको गीला किया जाता है जिससे वो रेत वहां पे ठहर सके, वहां पे वृक्षारोपण करके वो उस तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जोधपुर में जहाँ पे वृक्षारोपण कर सकते हैं? जोधपुर में तो सर मेनली जो नदी है वो ये जोजरी नदी है, पर वो भी एक नाले की तरह से गुजरती है। बाकी लूणी नदी का पानी कुछ क्षेत्र में इसके आता है, वो भी एक तरह से बरसाती नदी है। परंतु मैं इसमें यह भी शामिल करना चाहूंगा कि जो इंदिरा गांधी नहर कैनाल के आसपास का क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार की एक्टिविटीज वन विभाग द्वारा की जा रही है। आपने कहा कि अभियान चलाए जा रहे वन विभाग द्वारा, कौन सा अभियान है? सर नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि इस तरह से एक्टिविटी उन्हें उनके द्वारा की जा रही है। एक्टिविटी की जा रही है, लेटेस्ट कब की गई? सर जानकारी नहीं है, सॉरी। जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। मुझे आप अपने जिले के कल्चरल कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताइए। जोधपुर में सर ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही अपनायत भरा शहर है। यहाँ की लोगों में तो मिठास है ही, यहाँ के जो खान पान और रहन सहन रीति रिवाज में भी आप देखेंगे तो एक विशेष झलक आपको दिखाई देगी। यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पे जो मोटड़े का काम है, और जो बेसिकली जो दरिया और उसका काम है, जो जूतियाँ बनाई जाती है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ के खान पान में बहुत राजस्थान में सबसे अधिक जो घी का इस्तेमाल होता है वो जोधपुर, उसके लिए माना जाता है। और देखा जाए तो यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी में यहाँ का जो धींगा गवर का मेला है, उसके अलावा ये यहाँ की जो यहाँ के विभिन्न आयोजन है उसके द्वारा जोधपुर विश्व पटल पर ब्लू सिटी के रूप में भी एक अपनी पहचान बना रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक आयोजन में एक धींगा गवर बेंतमार मेला है जी, या जानते हैं आप क्या होता है? जी ये गणगौर की पूजा के बाद में, एग्जैक्टली डेट तो मुझे याद नहीं है सर, इसमें रात्रि के समय महिलाएं विभिन्न स्वांग रचती है और मनचले युवकों की बैत से पिटाई करती है। और इस तरह से माना जाता है कि इस पूरी रात को महिलाओं का राज होता है। ये जोधपुर के भीतरी शहर में केवल केवल मनचले युवकों को पीटती है या जो भी सामने आ गया उसको पीटती है? सर मनचले युवकों को पीटने का ऐसा प्रयास किया जाता है, वो मनचले युवक उन्हें छेड़ते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ये सब प्री प्लान्ड ही होता है, और उनको पीट कर वो इस तरह से इस मेले को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, ये कायलाना झील क्यों चर्चा में रही है पिछले एक साल से या फिर हाल ही में आपको दिखाई देता हूं? कायलाना झील हाल ही में तो सर वो एक जो वायु सैनिक की जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में वो चर्चा में रही थी, इसके अलावा तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। ओके चलो ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, ये गमता गाजी की मीनार सुनी है? नहीं सर। गुलाब खां का मकबरा सुना है? नहीं सर, सॉरी। गुलाब कलंदर कुछ नहीं सुना आपने जोधपुर में? गुलाब खां का मकबरा मैंने नहीं सुना है सर। अच्छा, राखी हवेली सुनी है? यस सर। ये इसका नाम राखी हवेली क्यों है, बस इतना बता दीजिए आप। इसके पीछे शायद कोई एक ऐतिहासिक घटना है सर, पर वर्तमान में तो यहाँ पे बहुत बड़ा राखी बाजार लगता है। वो क्यों रखा गया सर वो मुझे जानकारी नहीं है। ओके नेक्स्ट मेंबर। हाँ योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बताइए। आपकी हॉबी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ
बुक्स पढ़ना, उसमें भी फिक्शन लिटरेचर आप पढ़ते हैं, और सिंगिंग आपकी हॉबी है। तो सिंगिंग में किस तरीके के गाने आप सुनते हैं या गुनगुना भी लेते हैं? सुनता भी हूँ सर, मेनली गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ। जी, कौन से समय के या फिर किस तरीके के गीत आप सुनना पसंद करते हैं? मुझे मेलेडियस गीत ज़्यादा पसंद है सर, और थोड़े से रोमांटिक और पुराने समय के मोहम्मद रफ़ी के और वर्तमान गायकों में जो आदित्य उदित नारायण जी हैं, इस तरह के गाने मुझे पसंद है। महिला संगीतकार रुचि नहीं है फिर? आप उनके गाने नहीं सुनते आप? सर एक्चुअल में सिंगिंग का प्रयास मैं जब करता हूँ तो पुरुष गानों को मैं सुन के वापस गाने का प्रयास करता हूँ, बाकी मुझे महिलाओं का मैं लता मंगेशकर जी हैं और अलका याग्निक जी के गाने पसंद हैं। तो आप मुझे अपने समय के, जहां से आपने गाना सुन, 90s के दौर की कोई तीन सिंगर, फीमेल सिंगर के नाम बताइए आप मुझे। साधना सरगम जी है सर, अलका याग्निक जी है, अनुराधा पौंडवाल जी है। तो आपने इनको सुना है? कोई ऐसा गाना आप सुना मुझे है बता सकते हैं जिसमें कविता जी, अलका जी, अनुराधा जी तीनों ने साथ गाया हो, आपको याद कर पा रहे हो तो? तीनों का तो नहीं सर, एक देवदास का गाना है डोला, उसमें दो सिंगर थे, कविता कौन कौन गाने गाते साथ उसमें? कृष्णमूर्ति जी थे और उसमें श्रेया घोषाल थी एक, या सॉरी दूसरे पता नहीं मुझे, शायद अलका नहीं, याग्निक श्रेया जी थे। घोषाल जी हैं। ओके ओके, श्रेया घोषाल जी हैं। लिटरेचर, आप फिक्शन कौन सा पढ़ना पसंद करते हैं? अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक पढ़ी है आपने? हाल ही में तो सर मैंने एक तो इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़ा है अमीश का, और एक चेतन भगत का वन अरेंज्ड मर्डर ये पढ़ा है मैंने। ओके, इंग्लिश नोवेल आप पढ़ते हैं? हाँ, जी तो आप क्या मानते हैं हिंदी साहित्य में वो स्तर इतना नहीं है कि आपको अपील कर सके, या फिर हिंदी साहित्य ऐसा उपलब्धि नहीं है जिसको आप उत्कृष्ट पाते हो? क्या कारण रहा है आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते? मेनली सर, अभी तक जो मैंने देखा है कि अंग्रेजी साहित्य की बुक्स ज़्यादा सुलभ तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, तो मैंने पढ़ के देखा तो वो लैंग्वेज मुझे ज़्यादा ग्रास्पिंग लगी। मैं अभी तक पुरानी क्लासिक लिटरेचर्स पे गया नहीं हूँ, तो एक शुरुआती स्तर पर है, अभी मेरी हॉबी को शुरू हुए 1-1.5 साल ही हुआ है, तो मुझे मैंने प्रेमचंद की बुक्स ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, पर अभी तक पढ़ने का मुझे समय उसमें मिल नहीं पाया है, तो मुझे जरूर रुचि है और मैं आगे जाकर इनके जरूर पढ़ूंगा। तो आपने पहली प्रेमचंद की कोई रचना पढ़ी है अभी तक, कोई रचना जिससे आप प्रभावित हुए? क्या कारण रहा कि आपने प्रेमचंद की बुक्स ऑर्डर तो किया आपने? जी, एक जब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था तब एक मेरी बुक आती थी, उसमें एक कहानी थी बड़े घर की बहू, तो अच्छा, उसकी जो कथानक था वो मुझे अभी भी याद है, और ये देखा जाता है कि प्रेमचंद को कालजयी रचनाकार कहा जाता है हिंदी का, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर को समझने के लिए और अपनी व्याकरण शैली को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए और एक शुरुआत के लिए मैंने प्रेमचंद जी को चुना। तो बड़े घर की बहू जो कहानी है उसने आपको प्रभावित किया जो भी है, तो क्या आपने उस कहानी में भी कहीं पर ये नहीं पाया कि जो अंत में जब कहानी समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं उस देवर को बड़े घर की जो बहू है वो माफ कर देती है? तो क्या आपको नहीं लगता कि वो उसकी एक कमजोरी का प्रतीक थी? उसने जो डिसीजन लिया था एक बार शुरुआत में उसको आगे तक लेके चलती, या फिर आप मानते हैं उस समय के हिसाब से वो जो बहू है घर की उसने उस परिवार को बचाने के लिए कुछ चीजें बलिदान की? क्या बात है आप? अटक गया क्या सर का वीडियो, नंदू सिंह जी? हैंग हो गया लगता है। तो ये एक बड़ी उस पर जिम्मेदारी थी कि उसे ना केवल अपने सम्मान की रक्षा करनी है, बल्कि एक बड़े घर को जो टूट केने के कगार पे आ गया है, अपना हृदय की विशालता दिखाते हुए उसे उसे टूटने से बचाना है। तो उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें ये माना जा सकता है कि उन्होंने उस समय सही डिसीजन लिया। बीच में थोड़ी आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, ना समय कम है, अच्छा लगा आपसे बात करके योगेश जी। ओके, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मेमोरीज। बताइए।
पहले मैं बता देता हूँ योगेश जी, एक हाँ जी तो हाँ जो आपने कहा था ना कि भाई मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मैंने आपसे पूछे थे प्रयास, तो फिर आपने वहां पर नदी बैंक्स के किनारे पेड़ लगाना है, तो ये राजस्थान के संदर्भ में इतना सटीक नहीं बैठता है क्योंकि हमारे यहाँ वो नदियां वदियां नेहरू हैं। के आसपास, नेहरू के आसपास ये प्रोग्राम चला रहे सर, वन विभाग हाँ वाले में, नेहरू के आसपास तो ठीक है, हाँ नेहरू नेहरू के वाला तो ठीक आसपास है। हाँ, और बरसाती नदी के आसपास। वो क्या है कि उसके बाद में इनका पास फंड आता है और फंड को ये यूटिलाइज करके पेड़ लगाने के अभियान चलाते हैं। वो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे याद आया, पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर ये चीज वास्तव में हो रही है। हाँ नहीं ठीक है, वो बोलना तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन वो फिर वो क्या स्कीम के बारे में पता हो ना तो थोड़ा सा वो हम जस्टिफाई कर देते हैं ये ठीक है। बाकी ठीक है, आप बाकी तो क्या है, जिले की मैंने पूछा था आपसे, जो शहर में है मेरे सामने गुलाब खा का क्या बोलते हैं मकबरा ऐसे कुछ है, मैंने भी देखा था कहीं, कोई अच्छा पूछ रहा था भाई एक चीज क्या है, मैं आपसे पूछता जा रहा था। एक दूसरी चीज है जो बाकी वो दिंगागांव वाला आपने बता दिया क्योंकि मैं भी एक बार इसमें गया था तो देखा था मैंने। चलो बाकी ठीक है, आप लोग बताइए। तो हाँ मैं सर बता देता हरी हूँ योगेश जी। हाँ जी हाँ, तो एक बात तो ये है कि जैसा कि आपको नंदू सिंह जी सर ने काफी आपके जिले के बारे में पूछा था, जो लगभग सदस्य ये देखते हैं कि आपको अपने रूट का, अपने आसपास का परिवेश का कितना पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने पढ़ी है, राजस्थान जीके में पढ़ी है, और मैंने भी, मुझे भी याद आ रहा था कि गमता गाजी क्या है, या जो भी इन्होंने पूछे वो काफी काफी नाम मुझे ऐसे लग रहे थे कि पहचाने हुए नाम है, तो इनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उनके बारे में पता होना ही चाहिए, बिल्कुल पूरी जानकारी, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जैसे कि आप योगेंद्र जी को बता रहे थे कि चलिए बताइए, या इस तरह से अनौपचारिक नहीं लेना इंटरव्यू को, बिल्कुल औपचारिक फॉर्मल बने रहें, भले ही अपन किसी भी स्टेज पर हैं। और फिर राजस्थान की समस्याएं के बारे में आपने समस्याएं बताई, तो समस्याएं बताने के बाद मैंने पूछा था बाल विवाह के कारण क्या है, लेकिन उसको आप पूरी तरह से घुमा फिरा रहे थे, इतना टाइम वो आपको नहीं देंगे। आपको टू द पॉइंट बताने की क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह के समय एक तो खर्चा बचाने के लिए ऐसा करते हैं, दूसरा ये था कि एक परंपरा बन गई थी क्योंकि लोग पहले अपहरण, किडनैपिंग वगैरह ऐसी समस्याएं ज्यादा थी, तो जल्दी से उनको ससुराल भेज दिया जाता था या परिपक्व मान लिया जाता था, तो ये भी है। और मिन्नो ग्रुप सम्मेलन जैसे आपने थोड़ा कुछ गलत बताया, तो ये चीजें आपको नहीं बतानी, बाकी ठीक था। हाँ योगेश जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी मैंने हॉबी पर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ठीक था, पहला मेरा आपका सिंगिंग वगैरह पे आपसे पूछा, उसमें थोड़ा सा सर ध्यान रखना, जब भी फेवरेट सिंगर आप बता दे वो बाद की बात है ना, लेकिन महिलाओं के नाम आ जाए ऐसे लग रहा है कि आप उपेक्षा ही कर गए है ना, जबकि आपको पता है आपने जिस दौर के उदित नारायण जब बता रहे हो तो आपको ज्यादा उसका नॉलेज, लेकिन फिर भी उस समय महिला जो सिंगर है उनका भी है, तो वो थोड़े तीन नाम आप उधर से बताते हैं तो दो इधर से भी ले लीजिएगा है ना। और बाकी सॉन्ग जहां तक आपको वो ध्यान नहीं रहते कि बंटवारा फिल्म का एक बहुत अच्छा गीत है ढोला थारे वास्ते ऐसे कुछ है ना, वो तो उसमें मिल जाएगा, अच्छा गीत है वो, आप सुनिएगा एक बार। और बाकी सारे गामा तो आप सुनते ही हैं तो वहां से काफी का नॉलेज आपको मिल जाता होगा। हाँ प्रेमचंद में आपने अच्छा संभाल लिया लास्ट में आके, वहां से अंग्रेजी साहित्य या फिर फिक्शन से लौटते हुए मुंशी प्रेमचंद में आपने सटीक नाम लिया और वो कहानी आपने पढ़ी भी थी इसलिए आपने ठीक है मुझे संतुष्ट किया। बाकी मेरी तरफ से ओके है, चलता रहे, थैंक यू। अपना योगेश जी हाँ जी यार, जब जब पूछते हैं ना तो ये समस्याओं के बारे में पूछते हैं, चलो भाई जिले की समस्याएं तो फिर ओवरऑल लेना है, उसके बाद फिर शहर पे आ जाना है ना, ये किसी को पूछते हैं तो एक बार क्या पहले अपने शहर की बता देते हैं, जिले को भूल ही जाते हैं, ये वहां भी हो सकता है पूछे आपसे, तो ये सवाल तो अमूमन रिपीट होता ही हर जगह, फिर शेयर किए हुए ओवरऑल याद लेना रखें। है। हाँ शहर की याद रह जाती है, चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर इनकी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अभी। कौन है महावीर जी, रिकॉर्डिंग नाफिस इनकी बंद कर दीजिए, दोस्त नेक्स्ट वाले की शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट आ गए क्या?